आप देखो नहीं जी, आपने सारे कम इकट्ठे कर दिए ना, ये सारे कम इकट्ठे कर दिए तो नाजायज हो गया। बंदे में एक अच्छी सिफत होनी चाहिए, अगर बहुत सारी अच्छी सिफत ही होगी तो बंदा गया काम से, सारी अच्छी सिफत नहीं होनी चाहिए ना प्यारे भाई, अच्छे काम सारे इकट्ठे होंगे तो बिगत होता है। बंदे में एक अच्छी सिफत होनी चाहिए बस, बाकी सारे गलत काम इकट्ठे हो गए तो बंदा गया काम से। अच्छा जी मुझे बताओ, दूध हराम है, अपना जान हो चोरी का भी नहीं, दूध हराम है, चीनी हराम, पत्ती पानी का पकाना, ये चाय तो तैयार होकर लड़क ये तो अंदर चली जाती है फौरन, ये तो जाइज है, विनाशी चाय जी इकट्ठी हो जाए तो ये हराम हो गया क्या नहीं है समझ, ये फेरिश तो अभी शुरू हुई थी, अभी तो खत्म तो बढ़ने लगी। मुझे बताओ आपको क्या उस कार्ड का मजमून याद है जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत खातून ने जन्नत की शादी वजह छपा के तकसीम किया है? कोई कार्ड नहीं था, आप जो छपाते हो नहीं, ये तो दुनियावी चीजें हैं, खाम खास दुनियावी चीजों का दिन के दरिया दुनियावी चीजें हैं, निकाह दुनियावी चीज है, शादी दुनियावी चीज है, मेरे आका ने फरमाया अन निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फ़ज़ाहा मिन्नी, अरे निकाह हुजूर की सुन्नत है, अगर हुजूर की सुन्नत दुनियावी चीज होगी तो तेरा दीन क्या है, खत्म हो जाएगा दुनियावी चीजों। हजरत सैयदना अबूबकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शादी करके हुजूर के यहाँ किसान रुख्सत की थी तो खाने पर कितने लोगों को बनाया था याद है कुछ? कहीं सुना किसी से, किसी हदीस में पढ़ा हो? लड़की की तरफ खाना नहीं होता शरीयत में, बस वलीमा सुनना था वो होता। अच्छा जरा शादी में जाते हो ये पैसे देते हो ना, अगर नहीं दो तो अगर अगर कहता है कहते खाना भी खा गया बड़ा कमजोर बंदे से पैसे भी मिलेगा, शादी का कार्ड जायज आखिरी बात है बस, शादी का कार्ड जायज, मिलाद से की इश्तहारात ना जाई, शादी का स्टेज जाई, मिलाद से का स्टेज ना जाई, शादी का चरागा जाई, मिलाद से का चरागा ना, शादी के दरिया जाई, मिलाद से के दरिया ना जाई, शादी की कुर्सियां जाई, मिलाद से की कुर्सियां, शादी के सोफे जाई, मिलाद से के सोफे ना जाई, शादी के पैसे जाई और मिलाद से के बेरे ना जाई और शादी का खाना जाई, मिलाद से का लंगर ना जाई, क्या भाई ये दीन समझ में आता है? तेरे भाई बात समझ है कि हुजूर का मिलाद पता है जो मनाते हैं ना वो पूछते नहीं है और जो पूछते हैं वो मनाते हैं, बात समझ आ गई? अगर अभी नहीं आई ना फिर वही इमाम बुखारी को बोला मेरे हाथ पड़े हैं। नहीं की बात असल में ये है कि असल में मामला ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया नई की बिदत होती है और यहाँ नई की बिदत होती है, बिदत गुमराही होती है, गुमराही जानने में लेकर जाने वाली होती है, आप इनसे मिला को मिला तो बिदत नहीं तो हराम है। असल तरावी पढ़ते हो के पीछे तरावी शुरू करवाई नहीं करवाई, करवाई ना सारे सहाबा ताबीन को पीछे खड़ा किया नहीं किया, खड़े करने के बाद क्या बात सुनाई? बुखारी भी कदम लाता है आपने भाई नए मन बीता तो हाजी कितनी अच्छी है ये बीता बिदत है, तू कहते सुनना थे मैं तेरी बात मानू उनकी बात नहीं सुना, अब तो रिश्ता करते जरूर पढ़ना सुनत भी कहते हैं क्यों हुजूर ने तीन दिन पढ़ाई ना सुनत भी कहते हैं, बिदत उम्र में खता है हमारा बिदत वो भी कहते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि बात सुनते बिदत भी होती है तो हर सुनत को बुरा कहता है कुछ तो है यार, फरमा दिया उसको बात सुन्नते जो बिदत भी होती है तो मतलब ये है कि हर बिदत को बुरा ना कहो, तुम हर बुदर हर बुरे को बुदर बुरा कहते हो, मेरे आकर हमें कुल्लो मोहदस बिदा हर नई की बिदत है, अरे नई चीज से मुराद क्या है ये तो समझ लो, इसे मुराद ये है कि जिसकी दीन मुखालफत करे वो नई चीज बिदत है, वो नई चीज हराम है, वो बिदत वो वाली बिदत हराम है। प्यारे भाई जिसकी दीन मुखालफत नहीं करता उस वो नई चीज बिदत हराम नहीं है, प्यारे भाइयों जिस चीज की दीन मुखालफत करे वो नई चीज बिदत हराम। आप कहोगे वो नई चीज भी हो और बिदत भी हो और हराम भी हो, चीजों में साथ को दो हाँ मेरे आका ने फरमाया बुखारी की हदीस बुखारी की मुस्लिम दोनों के मेरे आका ने फरमाया मन दरबर खुदूद व शक्कल जुनू फले समिन्ना, जिसे नुकसानों को पीटा गिरेवानों को चाक किया वो हमसे नहीं। प्यारे भाई व्यर्थम करना तो है मेरे दीन मुखालफ कर रहा है, नहीं करो इस तरह ये नई चीज है, दीन मुखालफ कर रहा है मुझे दिखाओ तो सही, मिलासी के मुखालफ दीन ने काम करके दिखाओ तो सही, मुझे सारे कराने के बाद फरमाया प्यारे भाई वो सारे कर्म में एक नहीं हजारों में, मैं नहीं कहता खुद अपने अखरों को काम
मुझे बताओ मीनाक्षी से मुताबिक हजारों हदीसें हैं या नहीं, मीनाक्षी से मुताबिक हजारों हदीसें हैं, चलो कुछ सही हो गई, कुछ सही भी तो है ना या नहीं है। अब सही हदीस तो हुजूर की मीनाक से मुताबिक है, जब कोई सिहाबी किसी ताबी को रिवायत करता था तो क्या कहता था, कान इधर लेकर आना बताऊंगा, जोर से बजाय तो मिलाद मना मिलाद हो जाएगा, दाइस नहीं। क्या सिहाबी ताबी को करीब बुला, कान ने हदीस सुनाता था मिलाद की वाली, अगर जोर से सुनाएंगे तो महफिल बैठेगी, मेरे काम में आ गए तो सारे लोग बैठे हुए हैं, सहाबा के इनके प्यारे भाइयों ताबी बैठे होते थे, हाजिर दिया करते थे, दुआएं करवाया करते थे, हाजिर होते थे, तो क्या वो कान ने बताते थे, अगर जोर से बताया तो मिलाद हो जाएंगे, तो मिलाद बना जाएगा, हुजूर के मिलाद की हदीस होगी, महफिल में होगी तो मिलाद हो गया। प्यारे भाइयों ये हजारों हदीसें बता रही हैं जो सहाबा कराम की रिवायत होकर आई हैं, ये हजारों महफिलों में सहाबा ने मिलाद बनाया है, तो कोई एक रिवायत तो सुना दो। हजरत अबू दर्दा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मेरे आका ने मेरे हाथ को अपने हाथ में लिया, क्या मंजर है, ये मंजर देख के दिल मचल जाते हैं, हाथ लिया है मुझे मुजाफर में घूम रहे थे। हजरत अबू आमिर अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु के काशाना के पास गुजरे फरमाया, अबू आमिर अंसारी की खैर खबर तो देते हैं, कहते मैंने दरवाजे को खटकाने के लिए हाथ जो लगाया दरवाजा खुल गया, अंदर हजरत खड़े इजला साहबा सामने बैठे हैं, मेरे आका की विरासत के पास सारे का तस्करा हो रहा है, मेरे आका ने जब देखा तो मेरे नबी ने क्या फरमाया, मेरे नबी ने फरमाया फतह अल्लाह अल्लाह व रहमा, अल्लाह ने आपको रहमत के दरवाजे को खोल दिया है, वमन फाल खैरक, और जिसने आपकी तरह ये काम किया उस पर भी रहमत के दरवाजे खुलते हैं। मेरे आका हुज़ूर गुजरे सारे ग्राम इतवाद के पास से, मेरे आका ने फरमाया मां जरा सर को बताओ किसी ने बिठाया, क्यों बैठे हो यहाँ पर, चारों ने हजारा ग्राम ने किया हुज़ूर अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं, हुज़ूर दिन उठने हमें दीन अता फरमाया और आपको भेज कर बमन्ना बेका अलैना, और हम पर जो आपकी वजह से एहसान फरमाया उसको उसका तर्का कर रहे हैं, मेरे आका ने फरमाया और तो कोई वजह नहीं है हुज़ूर, कोई और वजह नहीं, मेरे आका ने फरमाया ठीक है ना, कोई और वजह नहीं, कोई और वजह नहीं, मेरे आका ने फरमाया बताया मैंने तुमसे ताकीदन बात क्यों की है, वजह यह है कि जिब्रील अमीन मेरे पास आए थे और कह रहे थे कि ये जो महफिल है जिसकी बिना पर रब्बुल आलमीन आसमान के फरिश्तों पर फख्र फरमा रहा है, और महफिल मिलाद भी जमीन पर हो जाए, खुदा की कसम वो जमीन बाकी जमीनों पर फख्र करती है। अल्लाह सब बकरा फुमाए, इस महफिल वालों का बकरा फुमाए, मीन इसके बानी मबानी बकरा फुमाए, परवरदिगार हम सब हाजिरी बकरा फुमाए।